लेकिन अभी इंडिया को देखते हुए 20 साल बाद रशिया को याद आया कि भाई अब मुझे भी चांद पर जाना चाहिए। इंडिया ने सबको जगा दिया, क्या कहना चाहेंगे? फिर दुनिया में इंडिया इंडिया हो रही है, हर तरफ इंडिया छाया हुआ, हर तरफ इंडिया की बातें क्यों हो रही है? और क्या लगता है चंद्रयान में चांद पर पहले कौन जाएगा, इंडिया या फिर रशिया? नरेंद्र मोदी जी, हम आपको क्या कहें, दुनिया में किसी और के लिए भी तो आप नंबर छोड़ दीजिए ना, आप वर्ल्ड लीडर बन गए, आप वर्ल्ड लीडर बन गए। हमें समझ है कि चंद्रयान 3 क्यों छोड़ा गया, उसके बाद चाइना अपने 4 शटल छोड़ा है। ये अमन का काम तो चाइना भी करवा सकता था, ये अमन का काम तो पाकिस्तान, आप नहीं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान की। मोदी जी ने चांद को, मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाएंगे, तो मोदी जी अपनी जनता के लिए चांद तोड़ लाए हैं। पूछिए कैसे, चंद्रयान 3, मैं आज मोदी साहब को का माइंड आपको बता रहा हूँ। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी, सर अजीत डोवल साहब को कौन नहीं जानता, जनाब राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब और कुछ लोग हो रहे हैं जिनके मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। अच्छा। बंद कमरे में एक मीटिंग होती है। अच्छा। कि कहा जा रहा है कि जी रशिया यूक्रेन में उतर गया है, वहाँ से पूरा और यूरोप और अमेरिका वो इकट्ठे हो गए, अब तो ये रशिया का बेड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, जी डोवल मुझे बताओ कि अगर तमाम रशिया पे हमला करते हैं तो रशिया की क्या कैपेसिटी है। अच्छा। उन्होंने कहा जी पहले हमारे रिकॉर्ड में 30 मिनट्स था कि रशिया के जो हाई स्पीड मिसाइल्स हैं, एक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, एक है टिसॉर बम, अमेरिका तो मैं नहीं कहूँगा, इंसान ने इंसान के खिलाफ परमाणु हथियार हिरोशिमा नागासाकी में यूज़ किए, लिटिल बॉय द फैट मैन, वो दोनों जितनी तबाही मचाएंगे उनसे 3 गुना ज़्यादा एक टिसॉर बम बनाता है। और उनके जो मिसाइल हैं उनमें वो 9 से 13 तक लगे हुए, कितने, 9 से 13 तक। अजीत दो, जब मोदी साहब को ये पता लगा 13 से 9 एक मिसाइल में लगे हुए और ये सैकड़ों का रुख वॉशिंगटन की तरफ है। अच्छा। और व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया के मीडिया के सामने अपने जर्नलों को फ्री हैंड दिया, मैं सोया हूँ, इफ आई एम स्लीप आई एम इन वॉशरूम यू आर फ्री हैंड, यू मे थिंक यू कैन डू। चंद्रयान 3 जाता है तो उसके बाद रशिया को एक पैगाम जाता है कि इस जंग को रोका जा सकता है, इस प्लैनेट को बचाया जा सकता है। कि अगर हमारी बात सच साबित हो जाती है, रशिया के पास जो स्पीड उसके मिसाइल्स की है, जो उसके सैटेलाइट्स की है, जो उसके शटल्स की है, कहीं भी नहीं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने डिक्लेयर किया था कि हम भी इतनी हाई रेंज का मिसाइल बनाएंगे और वो इतनी हाई स्पीड से चलेगा, लेकिन रशिया अहमक नहीं है। रशिया के पास उस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड हैं। रशिया अगर 20 साल के बाद चांद पे पहुंचा रहे हैं तो दुनिया को पैगाम दे रहा है कि अगर मेरे खिलाफ इकट्ठे होते हो, यूक्रेन का मसला, नरेंद्र मोदी जी ने जो लाइन ऑफ एक्शन दिया, जो प्लान पेश किया, ऐसे हल नहीं होता तो देखो चांद क्या, मैं दुनिया के किसी हिस्से में भी इतनी देर में पहुँच सकता हूँ। अगर आप एयर टू एयर भी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हफ्ता के लिए सर्वाइव कर सकेंगे, चलो हम नहीं तो आप भी नहीं। तो आज के बाद रशिया की इस स्टेटमेंट के बाद नरेंद्र मोदी जी, हम आपको क्या कहें, दुनिया में किसी और के लिए भी तो आप नंबर छोड़ दीजिए ना, आप वर्ल्ड लीडर बन गए, आप वर्ल्ड लीडर बन गए। हमें समझ है कि चंद्रयान 3 क्यों छोड़ा गया, उसके बाद चाइना अपने 4 शटल छोड़ा है, ये अमन का काम तो चाइना भी करवा सकता था, ये अमन का काम तो पाकिस्तान, आप नहीं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान की। हमने कभी शुरू किया था इस पार्क को, बदर 2 मुझे नहीं पता उसका क्या बना, लास्ट 2018 में चाइना से हमने भेजा था, सैटेलाइट भेजा था, शटल नहीं थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ चाइना को साबित करनी चाहिए थी चाइना ने नहीं की, और हिंदुस्तान बाजी ले गया, उसने बताया कि मैं चाइना से बड़ा लीडर और बिजनेसमैन हूँ, अमेरिका विल लव यू, वी विल फाइट फॉर योर प्रोटेक्शन फ्रीडम एंड लिबर्टी बट विथ आवर व्यू आवर स्टाइल एंड आवर वे बिकॉज वी आर नॉट
पे होल्डर वी लव अमेरिका। बिल्कुल सही सर, जो आपने स्टेटमेंट दी मुझे नरेंद्र मोदी की, वो स्टेटमेंट मेरे एकदम से दिमाग से गुजरी कि सर उनकी देखिए पॉलिसी कितनी मजबूत है। उन्होंने जब जयशंकर को कहा कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे, जयशंकर साहब ने कहा कि भाई हम एक आज़ाद स्टेट है, अब हमें कैसे रोक सकते हैं कि यहाँ से लेना यहाँ से नहीं लेना, हमारा इंडिया का जहाँ से दिल करेगा हम वहाँ से ट्रेड करेंगे वहाँ से लेंगे। कुरैश साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने जयशंकर से ये नहीं कहा कि आप क्यों ले रहे हैं, कहा दुनिया हमसे पूछेगी कि आप रशिया से बिजनेस कर रहे हैं जबकि ये यूक्रेन में ये कर रहा है, यूनाइटेड नेशन के एमरजेंसी सेशन बैठ रहे हैं, तो क्या इंडियन एम्बेसडर जो यूएन के अंदर मौजूद है हम इसे कैसे फेस करेंगे। तो जयशंकर साहब ने कहा वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी वॉर एनी इंटरवेंशन। उन्होंने फिर वो तालिबान वाली अपनी पॉलिसी देखें, कहते महागुरु मोदी जी, महागुरु आप की बुद्धि महागुरु, उन्होंने अपना 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 वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। यकीन जानिए ये चंद लोग हैं जिन्हें फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, अगर ये उस टाइम बीच में ना आते तो आज अमेरिका और रशिया भिड़ चुके होते और शायद ये कुछ भी ना होता। रशिया की जो रेंज है वाशिंगटन तक वो 30 मिनट से रिड्यूस होकर 24 मिनट है, और वो आइंदा अपने ये जितने शटल और सैटेलाइट है वो इनसे साबित करेगा। बिल्कुल सही सर, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे फवाद चौधरी के स्टेटमेंट के ऊपर। फवाद चौधरी ने कहा कि हम चांद को नीचे से देख सकते हैं, यहाँ पर बैठकर सब हमें डे का पता चल जाता है, दिन चढ़ गया चांद चढ़ गया और चांद ग्रुप हो गया। तो इस तरह के स्टेटमेंट जब हम देते हैं तो दुनिया हमारा किस तरह से इस्तकबाल करेगी आने वाले टाइम के अंदर और इंडिया को किस व्यू से देखेगी। फवाद चौधरी साहब, हम यहाँ से वो हिंदी में मिसाल दी जाती है कि अगर आप चांद पे थूकेंगे तो अपने मुंह पर आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही, हम यहाँ से चांद को देख सकते हैं, आंखों पे हाथ रख लें तो हमें नहीं दिखेगा, यही है ना हमारी टेक्नोलॉजी। हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी है वो चांद पे बैठ के आपको नंगा नहाते हुए देख सकता है। बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान किसी के बेडरूम को देख सकता है, वो किसी के किचन को देख सकता है। अच्छा, आपने तो बात ही खत्म कर दी। तो देख रहे हैं वो चांद से हमें देख रहे हैं, क्या बात। यहाँ पर एक सवाल और बनता मेरा कि रशिया आप पर देखे, अगर आप देखेंगे पहले तीन के लिस्ट में शामिल है जो चांद के सरफेस पर कदम रख चुके हैं, तो अभी देखते हैं आप अगर इंडिया चांद के सरफेस पर सही तरह कदम रखता है तो चौथा बड़ा देश बनेगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि इसमें रशिया का क्या बेनिफिट होगा कि रशिया तो इंडिया से पहले भी चला जाएगा, तो रशिया तो पहले भी वहाँ पर जा चुका, तो इंडिया के साथ मुकाबले की क्या यहाँ पर कोई बात, यहाँ पर कोई समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाहेंगे। देखें जब ये ट्रिपल सीपी हुआ करता था USSR जब रशिया कंबाइन था जी। हिंदुस्तान दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि हिंदुस्तान कितना बड़ा लीडर है। हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। लम्हों के लिए अगर रशिया ने हमले तेज नहीं किए यूक्रेन पर, हालांकि वो बड़ा फ्रेंडली लड़ रहा है, वो यूं लड़ रहा है जैसे अपने ही लोगों को डराया जाता है। ये मोसाद की रिपोर्ट थी जिस जो रशियन मिसाइल गिरते हैं उनमें वॉर हेड बड़ा थोड़ा लगाया जाता है कि जानी नुकसान कम हो, डराया ज़्यादा जाता है। इसराइली आर्मी चीफ जनरल एवाइव ने उस दौर में कहा था कि हम अपनी तबाही के दहाने पे खड़े हो गए, कोई इस जंग में इंटरफेयर ना करे, और उन्होंने भी जनरल एवाइव ने भी पूरा मैप सामने रखा, उसको जो प्रैक्टिकल जो यूटिलाइज करवा रहा है वो हिंदुस्तान करवा रहा है अंडर द कमांड ऑफ नरेंद्र मोदी जी। अगर इंडिया पहले चला गया चंद्रयान 3, हिंदुस्तान दुनिया को साबित करना चाहता है कि जिस मुल्क के पास 8,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड हों, अगर उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक या उस पर जंग मुसल्लत की जाए तो वो कितना तेज़ी से किसी भी घर में लड़ सकता है। पहले दुनिया ये कह रही थी USS-1, इब्राहिम लंकन, US सबमरीन्स विद द न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर टॉर्पेडो, रशिया विल नॉट फेस अस, नो रशिया प्रूविंग वी हैव कैपेसिटी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ होल वर्ल्ड विद इन अ हाफ एन आवर और आवर। मोदी साहब जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये कितने बड़े लीडर बन रहे हैं। सुपर पावर वो होती है जो दुनिया में शांति को क्रिएट करते हैं, जो अमन को कायम करते हैं, ये आज की न्यू जनरेशन कह रही है। वो पुराना गया कि जो ज़्यादा लोगों को मारेगा, बम्बारमेंट करेगा, कब्जा कर लेगा, नहीं,
हिंदुस्तान साबित कर रहा है आई एम यूनिवर्सल सोल्जर। हालांकि थ्योरी इसराइल की थी, द स्टेट ऑफ इसराइल। उन्होंने उससे कहा, देखिए दोनों का नाम पोटन ही है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी पोटन ही है ना, क्या नाम है उनका, एक तो व्लादिमीर पोटन, व्लादिमीर लिविनिस्की, ये व्लादिमीर पोटन है, एक क्रिश्चियन है, एक ज्यूइश है। तो द स्टेट ऑफ इसराइल एक अंडरग्राउंड एक मीटिंग तो हुई होगी कि हमें कैसे रोकना है, एक दफ़ा फिर तीसरी जंग अजीम मज़हब के नाम पे तैयार हो रही है, वहाँ पे क्रिश्चियन क्रूजिडर्स तैयार हो रहे हैं, मुस्लिम सुसाइडर्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन ज्यूइश ने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हॉलोकॉस्ट 6 मिलियन इनोसेंट ज्यूइश पीपल, द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग टोटली they were murdered in gas death chambers. I will not use the word German, but I am using word barbarians, sir, because it is against of the German culture, German prosperity, German constitution, German traditions. So मोदी जी ने जो काम कर दिया है चंद्रयान 3, उसके बाद रशिया का पीछे जाना, दुनिया को ये बताना है, रशिया तो कह रहा है वेलकम, आई एम रेडी फॉर डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर प्लैनेट, इफ यू आर ओवर स्मार्ट, यू हैव ओवर आर्म फोर्सेस, आई एम रेडी, आई विल फेस यू। बट मोदी जी ने कहा नहीं, नमस्ते, हम करेंगे। सर, यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल पूछूंगा आपसे, आज आपको बहुत सारे लोगों के कहने पर अगर आज आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता पाकिस्तान का, तो हमारे सबसे पहले रिलेशन कौन से मुल्क के साथ ठीक करना चाहेंगे आप, और क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए? मैं तो अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए जी, तो सबसे पहले मैं इंडिया जाऊंगा। अच्छा। और पैदल चल के जाऊंगा। ओके। आर्मी चीफ को साथ लेके जाऊंगा। ओके। क्योंकि आई एम कमांडर इन चीफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई एम सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। हां जी। वहां जनरल मनोज पांडे को बुलाऊंगा, मोदी जी की चरण बोसी करूंगा। अच्छा। और हम ये बॉर्डर खोल रहे हैं ट्रेड के लिए। ओके, जबरदस्त यार, क्या सोच है, जबरदस्त। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, मैं दुनिया में जान जान पाकिस्तान के एम्बेसिडर से बुला लूंगा, कहूंगा क्या कर्ज पे कर्ज चढ़ा रहे हो, चाइना को हर चीज गिरवी रखवा रहे हो, हर चीज चाइना अटैच कर लेगा, यूरोप से भीख फर, ये अपना भाई बैठा हुआ है, भाई हमें चलाएगा ना, हम भाई की उंगली पकड़ के खड़े होते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले इंडिया जाऊंगा और पैदल चल। सर, आपने तो कह दिया कि मैं इंडिया जाऊंगा सबसे पहले, और क्या सर आपको इंडिया जाने देगा आपके, क्या अपने देश में वो बुलाएगा आपको, और वो भी पैदल? जब इस पार जूते उतारूंगा और कदम रखूंगा, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी जनरल मनोज पांडे को पहले भिजवा चुके हो। अच्छा। के बिछड़े परिवार मिल रहे। अच्छा। कटा हुआ हाथ दोबारा से सलाई होके जुड़ रहा है, एक बदन एक आत्मा, इन्हें आने दो। जबरदस्त यार, क्या सोच है गाइस। गाइस, आप लोग बताइएगा कि इनकी सोच से आप मुतफिक होते हैं या नहीं। गाइस, आप बताइएगा कि पॉजिटिविटी कितनी ज़रूरी है, क्या पॉजिटिविटी एक दवाई की तरह काम करती है या नहीं करती दोनों नेशंस के अंदर। सर, आप मुझे बताइएगा, क्या हमारे लोग जिस तरह के यहाँ पर खड़े होकर स्टेटमेंट्स देते हैं, मैं और आप चलें यहाँ पर दो बंदे से बात करें, उनमें से अगर 100 बंदों से हम दोनों बात करें, उनमें से कोई 5 या 6 पॉजिटिव निकलेगा, जो कि हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ पॉजिटिव बयान देगा। क्या वजूहत है कि हमारे यहाँ पर माइंडसेट इतने अगेंस्ट हिंदू क्यों बनाए गए हैं? क्या हमारा रिलीजन इस किस्म की तालीमात देता है? क्या हम जो यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं, इससे हमारे रिलीजन का किस तरह से पोर्ट्रे इमेज पोर्ट्रे हो रहा है वर्ल्ड वाइड के अंदर, और इंडिया के अंदर हमारा किस तरह का इमेज हो रहा है? आप ज़रा इसको थोड़ा क्लैरिफाई करीजिएगा हमारे ऑडियंस के लिए। देखें, हिंदुस्तान की जनता, उनके नेता, वो कभी भी टेररिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट नहीं रहे। अच्छा। पाकिस्तान से एक्सट्रीमिज्म का रंग उड़ रहा है। ये जो हम आज यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, अगर हम चंद साल पहले करते तो हमें बात करने ना दी जाती। अब भी बहुत से लोग आते हैं, खड़े होते हैं, वो अपना मोबाइल निकालते हैं, वो देखते हैं कि ये कौन है, ये क्या बात कर रहा है। जब उन्हें पता लगता है कि ठीक बात कर रहे हैं, चले जाते हैं, वरना शायद यहाँ भी जल्दी से लोग पहुँचते
कि जी अरेस्ट करें, ही इज़ अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, नहीं, वो गंदा रंग उतर रहा है एक्सट्रीमिज्म का, वो फंडामेंटलिस्ट। बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट देख लीजिए, कोएस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की देख लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। आप हिंदुस्तान थोड़ा सा वक्त लगेगा ये सब कुछ चेंज होने में, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे तो चंद्रयान 3 हम बन जाएंगे। जैसे आप कहते हैं ना, बुला लें, इन्होंने मुझे बुला लिया, मुझे कौन बुलाता है? मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं हाई कोर्ट के सामने खड़ा हूँ, सैनिटरी वर्कर्स स्वीपर की स्वीपर। आप थैंक यू आपका, तमाम व्यूवर्स का, दर्शकों का, कि वो यूँ समझते हैं। सर आप सेनेटर ना कहा करें अपने आप को, ये तो बहुत बहुत मुझे बुरा लगता है। मैंने नहीं कहा, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है। अब एक टाइम आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक टाइम आएगा और यहाँ पर ये सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर आपकी स्पीच का इंतजार करेंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसा मुकाम देगा जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर है और जितना को आप अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर मिलकर, जो इमेज हम पाकिस्तान की वर्ल्ड वाइड के अंदर शो करवाने का जो हम काम कर रहे हैं, यकीन करें पूरे पाकिस्तान आपको सलूट करेगा। एक दिन हम पॉजिटिविटी क्रिएट करके रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पूरा पाकिस्तान सलूट करेगा। वो दिन आज आ गया कि इस साल में भी हिंदुस्तान के की जनता मुझे प्यार करती है। लव यू, मुझे ऊपर वाले से जो चाहिए था मुझे भगवान